हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे विषयों के बारे में कि जिससे आपको पता लगे कि कौन सी आप क्या यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं रैम के बारे में, कितने प्रकार की रैम होती है। रैम DDR1 होती है, SD रैम होती है। ये तो पुरानी रैम हो गई है जो आजकल अब यूज में नहीं है। DDR1 कहीं कहीं से यूज में होती है, जैसा कि वो यूज में बहुत कम है तो उस प्रकार उसका रेट भी आजकल कॉस्टली होता है। 1 GB रैम 2000 रुपये के आसपास मिलती है। उसके बाद SD रैम तो अब ख़त्म हो गई है। जो रैम 2 कट में आती थी वो वाली रैम होती थी, वो भी अब बंद हो गई है। फिर DDR1 भी धीरे धीरे अब ख़त्म ही हो रही है। अब जो रनिंग में रैम है वो DDR2 है, DDR3 है, DDR4 है। जो लेटेस्ट रैम है वो DDR4 है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है रैम की? DDR4 की फ्रिक्वेंसी जो होती है 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz। 3 फ्रीक्वेंसी में ये रैम आती हैं। आपकी जो DDR4 वाली रैम होती है वो 3 फ्रीक्वेंसी में आती है। DDR2 की जो रैम है, DDR3 की जो रैम है उससे नीचे की लेटेस्ट, उससे बाद की जो रैम, उससे पहले की जो रैम है, DDR4 के बाद पहले थी DDR3 रैम। DDR3 रैम में भी 2 फ्रीक्वेंसी आई हैं, 1333 और 1666, 1666 MHz, 1333 MHz। उसके बाद आती है हमारी DDR2 रैम, जो सबसे उससे भी पुरानी रैम है। उसमें आती थी आपकी 666 फ्रीक्वेंसी की आती, 666 MHz की आती थी और 800 MHz की आती थी। तो इस प्रकार क्या होता है, इन पे मेगाहर्ट्ज पे स्पीड डिपेंड करती है। 666 MHz की स्पीड थोड़ी कम होती है, 800 की उससे ज़्यादा होती है। फिर हम DDR3 पे आते हैं, DDR3 में 1333 की थोड़ी स्पीड कम होती है, 1666 की अच्छी स्पीड होती है। फिर उसके बाद आई DDR4, DDR4 में पहले रैम आई 2133 MHz की, उसकी स्पीड कम होती थी। और फिर आया 2400 और आज जो आजकल जो चल रहा है वो 2666 MHz की रैम चल रही है DDR4 में। तो ये तो रैम के प्रकार हो गए। रैम कौन कौन कंपनी बनाती है? रैम आती है आपकी क्रूजियल कंपनी की आती है, आपकी किंगस्टन कंपनी की आती है, रेसिमट्रॉनिक्स कंपनी की आती है, हाइनेक्स आती है, ए डाटा आती है। रैम भी कई तरह की कंपनी में आती है। सबसे अच्छी कंपनी जो भी होती है मेरे हिसाब से, सबसे ज़्यादा जो हम एक्सपीरियंस किए हैं वो है किंगस्टन की रैम बहुत अच्छी होती है, सिमट्रॉनिक्स की भी अच्छी होती है। किंगस्टन में थोड़ा वारंटी का पंगा होता है कि भाई आपको खुद ही सर्विस सेंटर जाना है, उसमें टाइम वगैरह भी लग जाता है। सिमट्रॉनिक्स की वारंटी आपको ऑन द स्पॉट जहाँ से आप खरीदते हो वहीं से ही आपको मिल जाएगी विद इन ए वीक। और आप किंगस्टन या हाइनेक्स जो भी और कोई कंपनी लोगे तो उसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना, विजिट करना पड़ेगा और कम से कम भी आपका 15 दिन से 1 महीने का टाइम लगता है वारंटी रिप्लेसमेंट में। तो इस प्रकार आपको मैंने रैम की वारंटी के बारे में बताया, रैम के प्रकार के बारे में बताया। और इसमें आपको अब बताते हैं कि ये क्या कट क्या होता है। थोड़ा इनमें कट का डिफरेंस होता है, DDR3 DDR4 कट का डिफरेंस होता है, DDR2 DDR3 में भी कट का डिफरेंस होता है। तो इसी से हम फ्रीक्वेंसी से हम ज़्यादा आइडिया लगाते हैं कि आपकी रैम कौन सी है, कितनी फ्रीक्वेंसी की है, कितनी उसकी है। तो इस प्रकार रैम का पता लग जाता है कि आपके इसमें कौन सी रैम लगी है। रैम फिर अब आप आते हैं कि आपके प्रोसेसर के अकॉर्डिंग भी रैम होती है। जैसे कि आपका i3 की सीरीज शुरू हुई है तो i3 में जो भी i सीरीज जो भी आपकी स्टार्ट हुई है प्रोसेसर की, उसमें आपका DDR3 रैम हुआ है। ड्यूल कोर पोर्टिड्यू जो मशीन आती थी इससे पहले उसमें DDR2 रैम आती थी। पेंटियम की जो मशीन आती थी उसमें DDR1 रैम आती थी। आजकल फिर अब i3 के बाद ये जनरेशन स्टार्ट हो गई है। i3 जो फर्स्ट या सेकंड जनरेशन था वो आपको 1333 MHz की रैम उसको सपोर्ट करती थी। उस प्रोसेसर पे जो रैम सपोर्ट करती थी वो थी आपकी 1333 MHz वाली। फिर प्रोसेसर की हमने जनरेशन चेंज होते हुए देखा, 4th, 5th जनरेशन आया, 6th जनरेशन तक फिर आपको 1600 MHz L वाली रैम जो हाई स्पीड होती थी DDR3 में 1666 MHz की रैम आई, वो 6th जनरेशन के प्रोसेसर तक सपोर्ट करती थी। जो आई सीरीज के 6th जनरेशन प्रोसेसर थे, i3, i7, i5 जो भी प्रोसेसर थे 6th जनरेशन के, 5th और 6th जनरेशन के, उस पर हमारी 1666 MHz की रैम ने सपोर्ट करना शुरू किया। फिर उसके बाद हमारे प्रोसेसर की जनरेशन चेंज हुई, जैसा i3 में 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th, 10th जनरेशन, उन पे आके पहले आपकी DDR4 रैम आई। DDR4 जो आई स्टार्टिंग में, मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, वो 2133 सपोर्ट करते थे जो आपके 6th जनरेशन के प्रोसेसर थे। फिर उसके बाद 7th जनरेशन पे हमारा 2400 MHz की DDR4 रैम सपोर्ट होना शुरू हुआ है। और आजकल जो प्रोसेसर हमारे चल रहे हैं 9th जनरेशन, 10th जनरेशन के जो भी हमारे प्रोसेसर आ रहे हैं उन पे आजकल DDR4 2666 MHz की रैम सपोर्ट करता है। तो ये हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको रैम के बारे में बताया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। हमारा वीडियो जो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू।